हेलो दोस्तों, तो वेलकम है अगेन ट्रैवल बड़ के इस नए एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कैसे करते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। और एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको आगे आगे करके मत देखना, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग जो लोग बाहर रह रहे हैं या जो लोग इंडिया में हैं, उन फीस में काफ़ी डिफरेंसेस आएंगे। क्या आपको पोस्टल एड्रेस भरना है, कौन सा कहाँ से आपको फॉर्म लेना है, तो सारा मैं डिटेल से इसके अंदर ही बात करने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखना। आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है दोस्तों, तो कैसे आपने यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ट्रैवल बर्ड के इस चैनल पे आपको और भी काफ़ी यूनिवर्सिटियों की ट्रांसक्रिप्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी। वैस, IQS, CES के भी, इनके भी बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपने वैस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हाउ टू अप्लाई वैस, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से समझाया गया है। तो आप ये भी चीज़ देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे बाद में क्या करना है दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये देखो 10th नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ इशूइंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म खुल जाएगा। आपने इस पे क्लिक कर लेना। आपको ये फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बस इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने सारी डिटेल इसके अंदर फिल कर देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसके अंदर कुछ फिल करके भी और इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, क्योंकि ये भी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस फॉर्म में भी गलती होती है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट रुक जाएगी। और जो लोग बाहर हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको क्या फीस रहेगी, तो सारी डिटेल हम इसमें भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, अटेस्टेशन ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ DMC सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, सिलेबस एक्सेट्रा टू भी। अगर आपका इनमें से कोई भी केस है तो आप इस फॉर्म को ही अप्लाई कर सकते हो। बट आज की डेट में हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। तो चलो उसके बाद क्या है, सेम इंस्ट्रक्शन हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंस्ट्रक्शन क्या है। आपने कैपिटल में अपना यहाँ पे नाम लिख देना, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे फीस जितनी आपने पेड करनी है वो आगे बताऊंगा मैं आपको कितनी फीस लगेंगी। यहाँ पे आपने किस डेट को किया है, कितने पैसे किए हैं, सारी डिटेल यहाँ पर देनी है। नेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए। हमें तो यहाँ ट्रांसफर चाहिए तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। हमें कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, 1 नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, या काफ़ी जो लोग स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 3 4 कई बार ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। अलग अलग कंट्री अलग अलग कॉलेज में अप्लाई कर लें तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ कॉपीज भी लिख के मंगवा सकते हैं। आपका रीजन फॉर अप्लाइंग क्या है, PR है, हायर स्टडी है, स्टडी वीजा, या आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर्सनल कर रहे हो या किस चीज़ के पर्पस के लिए कर रहे हो, यहाँ उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, सिलेबस रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन का नाम, रोल नंबर, सेक्शन, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मैक्सिमम क्या थे, नेचर, नेम ऑफ द कॉलेज, जहाँ जिस कॉलेज से आपने पास हुए थे, तो आपने ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपने नाम लिख के अपने सिग्नेचर को यहाँ पे रखना है, और नेम एंड द फुल एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस फ़ोन नंबर के साथ मेंशन करना, और यहाँ पे अपने फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे आपने लगा देने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपने अपने साइन लगा मारने करने हैं, और यहाँ पे आपने उस बंदे का ना, जैसे कि मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, यहाँ आई हेयर बाई अथोराइज मिस्टर, कि आप किसी पर्सन को यहाँ पे भेज रहे हो और उसको ऑथराइज कर रहे हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी से रिसीव कर ले पर्सनली, और हिज हर सिग्नेचर आर एज अंडर इफ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी कलेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट। तो साइन ऑफ द, उसके साइन आएंगे यहाँ पे, वो अपना नाम लिख देगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भर देनी है आपने। ये ऑफिस यूज के लिए है दोस्तों, और ये आपने कुछ नहीं फिल करना है यहाँ पे, ये सारा ऑफिस है, ये आपने ऊपर फिल करके यहाँ पे वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि क्या क्या हमारे को इंस्ट्रक्शन लगेंगे, क्या हम फीस लगेगी। तो देखिए, हमें साथ में क्या चाहिए, आपको जो भी आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने बैचलर किया, मास्टर किया, या जो भी नर्सिंग कोर्स या जो भी मेडिकल कोर्स आपने किया है, उसकी जो भी आपके DMC एंड सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी एक फोटोकॉपी आपने इस फॉर्म के साथ भेजनी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या था, फीस विल बी चार्ज सेपरेटली। मान लो आपको ए नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। फुल पोस्ट एक्सपेंसेस फॉर डिपॉजिट ऑफ, आपको आपका फुल जो पोस्टल एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक
ठीक है, अपर भी लेना, आपको ये चीजें दिख रही होंगी। स्केल ऑफ फीस, अगर फीस फॉर एप्लीकेंट परफॉर्मा, जो ये परफॉर्मा है दोस्तों, जो ये आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसका डाउनलोड करने का ही 50 रुपीज़ चार्ज है, तो ये भी आपको यूनिवर्सिटी को पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद फीस फॉर ट्रांसक्रिप्ट, हम ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 500 रुपीज़ देने हैं ईच टाइम, जितने बार भी हम एक सेट के लिए, हमें 500 देने हैं। इसमें लिखा है प्लीज ब्रिंग योर ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड। इसमें क्या डिफरेंसेस है, देखिए, अगर जो लोग बाहर रह रहे हैं उसको 100 US डॉलर के अकॉर्डिंग लगेगा, अगर आप कनाडा में ऑस्ट्रेलिया, तो कैनेडियन डॉलर नहीं चलेगा, ये जो 100 है ये 100 US डॉलर का रेट लगता है। अगर जो लोग विजिट करते हैं, तो लिखा क्या है मैं उसके बाद भी बताता हूँ, प्लीज ब्रिंग योर ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड एक्सेट्रा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ कमिंग पर्सनली, अदरवाइज फीस विल बी चार्ज। अगर आप पर्सनली नहीं जा रहे हैं, आप किसी को भेज रहे हैं, तो उनके साथ एक डॉक्यूमेंट नहीं भेज रहे, तो आपको $100 लगेंगे, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट बाहर चला जाता है, तो वो आपको ज़्यादा पता है कि वो बाहर की स्टैंप भी लगती है उसके ऊपर, ठीक है। फी फॉर ऑफिशियली अटेस्टेशन ऑफ अ फोटो कॉपीज ऑफ DMC, ये हमारा केस नहीं है, तो हम इनको 500 के लिए, हम ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फी फॉर ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन ऑफ ए क्वालिफिकेशन अटेस्टेशन ऑफ फोटो कॉपी DMC, ये सारा का सारा जो केस है जो आप देख रहे हो, मैक्सिमम 3 सेट ले सकते हैं, US$100 और इक्विलेंट इन द इंडियन रुपीज US डॉलर ये आपको लगेगा, ठीक है। पोस्टल एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग ट्रांसक्रिप्ट, ये जो पोस्टल एक्सपेंसेस है, आप किसको भेज रहे हो ये भी मैटर करता है, आप इंडिया में मंगवा रहे हो, बाहर भेज रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग पोस्टल चार्जेस आपको लगेंगे। पोस्टल एक्सपेंस फॉर सेंडिंग ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, तो ये 100 और रुपीज के बारे में बात की, या जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेज हो गए, विच एवर इज हायर देन, वो आपको लगेगा, ठीक है। द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ थ्रो हिज हर अथोराइज पर्सन मे रिसीव द ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड क्वालिफिकेशन, जो भी आपने अथोराइज पर्सन किया है, वो आपके बिहाफ के ऊपर यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पर्सनली विच वुड बी गिवन इन ए सील्ड एनवलप एड्रेस टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट, तो उसके ऊपर वो कंसर्न इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजर, वैस, IQS, CES, ये जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे हम भेजते हैं, तो वो आपको पर्सनली लेके फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच वुड बी गिवन इन द सेल्ड, तो उसको सेल्ड एनवलप में दी जाएंगे, और वो वहाँ से वो भी पार्सल भी कर सकता है। फीस जो आपने भरनी है दोस्तों, वो बैंक ड्राफ्ट होगा, फुल फीस मस्ट बी ड्रॉन इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार के कटेंगे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के फरीद कोर्ट में आएंगे, तो जो भी आपको ड्राफ्ट बनाना है, फीस पे करनी है, वो पेएबल टू रजिस्ट्रार रहेंगे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के, ठीक है दोस्तों। सिंडिकेट बैंक है, इनका अकाउंट वहीं पे है, तो आप यहाँ जाके पे कर सकते हो, और फुल फीस इज डिपॉजिट इन कैश विद द कैशियर ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी विजिट करके कैशियर काउंटर पे भी फुल फीस को सबमिट करवा सकते हो। तो दोस्तों ये स्टेप थे कैसे आप बाबा फरीद सिंह यूनिवर्सिटी से अपने ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, होप सो ये चीज़ आपको पता लगी होगी कि कैसे, तो आपने एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, आपने यूनिवर्सिटी को विजिट करना, आपने विजिट कर सकते हैं, आप जिसको ऑथोराइज कर रहे हो वो आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को विजिट करेगा, ठीक है, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट को बनवाएगा यूनिवर्सिटी से, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वैस है, IQS है, CES है, या जो भी आपकी मेडिकल से रिलेटेड हैं, उनको ये भेज ते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप सारा कुछ मेंशन कर दोगे कि किसके लिए आपको अप्लाई कर रहे हो। अगर वैसे IQS है, तो उनके एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म भी आपको साथ में भेजने हैं, जहाँ से आपने वो आपने किया है अप्लाई। तो होप सो ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो क्वेश्चन हो आप इसके साथ पूछ भी सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।